हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज ने कहा कि संस्कृति गरिमा मंच पिछले 13 सालों से समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने का कार्य बखूबी कर रहा है और अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बच्चों को प्रेरणा दे रहा है। कपिल विज संस्कृति गरिमा मंच की ओर से आयोजित विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण शिविर के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से मंच को प्रोत्साहित करने एवं सामाजिक कार्यों के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि आज यहां आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला है। मंच अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बच्चों को प्रेरणा देता है। शहीदों के प्रति बच्चों को बताया जाता है कि देश की आज़ादी में हमारे शहीदों ने कैसे लड़ाई लड़ी थी और देश को आज़ाद कराया था। उन्होंने कहा कि अभी बच्चों ने छोटी छोटी पंक्तियाँ पढ़ी, वे तारीफ के काबिल थी और वृद्ध आश्रम पर पढ़ी पंक्तियाँ उन्हें सबसे अच्छी लगी। इस अवसर पर मंच की 4 पूर्व प्रधानों संगीता सूद, पूनम खुराना, मंजू नांदरा एवं डॉक्टर शशि धमीजा को कपिल विज ने प्रशस्ति पत्र देकर उनकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए सम्मानित किया। साथ ही शिविर में निरंतर भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस दौरान बच्चों की ओर से कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सुनीता कपूर, सुनीता वर्मा, मीना कौशिक, पूजा बेदी, डॉक्टर संतोष धमीजा, सुनीता गुप्ता, नीना सूद, प्रमिला गांधी, डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, कृष्णा सागर, सरला वालिया, शशि आहूजा, गीता बजाज, रेणु बजाज के अलावा भाजपा नेता सुरेंद्र तिवारी, दीपक भसीन, कमल जैन, रवि चौधरी, अजय बबेजा, तरुण, डीएन दिवाकर, सचिन, विपिन खन्ना, संजीव वालिया समेत अन्य मौजूद रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। मंच की संरक्षक बहन विजय गुप्ता जी एवं मंच के सभी सदस्यगण, मेरे साथ आए मेरे साथी और प्रिय बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला है। संस्कृत गरिमा मंच पिछले 13 सालों से समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करने का कार्य बखूबी कर रही है। अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए बच्चों को प्रेरणा देते हैं, शहीदों के प्रति बच्चों को बताया जाता है कि देश की आजादी में हमारे शहीदों ने कैसे लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। अभी छोटे छोटे स्क्रिप्ट बच्चों ने यहां पे दिखाई, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सबसे टचिंग जो मुझे लगी वो वृद्ध आश्रम पर थी, जो शायद महावीर जैन स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किया। मेरी बेटी आर्किटेक्ट है तो उसको ये प्रोजेक्ट मिला था ओल्ड एज आश्रम का, तो मैंने काफी वृद्ध आश्रम
उसके साथ देखे घूमे और वहां पे रह रहे लोगों से बात भी की, उनकी बातें सुन के मन बहुत दुखी होता। हमारे माँ बाप जैसे अभी बहन विजय गुप्ता जी बतला रही थी कि 12-12 बच्चे होते थे, 4-4 बच्चे होते थे, सबको पालते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे, लेकिन 12-12 बच्चे अपने वृद्ध दो माँ बाप को पालने में असमर्थ हो जाते। कितनी बुरी बात है। आपका मंच जो ये कार्य कर रहा है और बच्चों में माता पिता दादा दादी के प्रति प्यार और सेवा को जगाने का कार्य कर रहा है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए यही कहूंगा कि आगे भी आप ऐसे ही समाज में कार्य करते रहें, जहां कहीं कभी भी, वैसे तो आपने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया कि मेल्स की हमें तो ज्यादा एंट्री हम ना करते हैं ना जरूरत है, मगर फिर भी कभी कहीं भी हमारी जरूरत पड़े पैसा दे तो हाँ हम दे देते हैं। तो आप बताओ क्या चाहिए। आप के कार्यों से अभी कुछ नहीं चाहिए, आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा, संतुष्ट, और आपकी लगनशीलता को देखते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री भाई अनिल विज जी की ओर से मैं आपको 1,00,000 रुपए देने का आभार हूं। धन्यवाद।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।